आज की सेशन में हम डेटा विजुलाइजेशन के डेटा मेनूबार के कुछ बची हुई चीजों पर डिस्कस करेंगे। हमने आपको एरर फॉर्मूला का वीडियो दिया है देखने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने नहीं देखा है, इसलिए मैंने दो दिन पहले दिया था। तो यहाँ पे हमारे सामने जैसे कि आप डेटा मेनू में आते हैं तो नॉर्मल सॉर्ट वगैरह है, फिल्टर आपने यूज ही किया है, इसमें एक एडवांस फिल्टर है। और चलिए एडवांस फिल्टर के बारे में एक बार जान लीजिए कि एडवांस फिल्टर करता क्या है। अब एडवांस फिल्टर लगाने के लिए हमें डेटा भी चाहिए होगा, तो एक छोटा सा डेटा हम पहले लेते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको डेटाबेस और लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला पढ़ाया था। तो डेटाबेस और लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला में जो हमारा ए है लिस्ट है, यही काम क्या बोलते हैं उसमें जो हम यूज करते थे सेम चीज यहाँ करते हैं। डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट के फॉर्मूले और आपके एडवांस फिल्टर बोथ आर सेम जैसे हैं। जैसे आपके सामने डेटा है आपको, तो नॉर्मल फिल्टर आप लगाते हैं तो आपको वन बाय वन लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्राइटेरिया काफी ज्यादा है, मैं क्राइटेरिया यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे हमने बोला कस्टमर हटा देता हूँ, हमने बोला कि मुझे यहाँ फाइनेंस चाहिए और यहाँ पे यूटिलिटी चाहिए, दो एनएसटी चाहिए मुझे, राइट। रीजन फाइनेंस में सारे रीजन चाहिए, यूटिलिटी में मुझे रीजन साउथ अमेरिका होना चाहिए। प्रोडक्ट में हमारा प्रोडक्ट वन होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया है। जैसे यहाँ पे हम ये देना चाहते हैं कि ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, और हम ये भी चाहते हैं कि हमें यहाँ पे जो है मान लीजिए कि 2003 का चाहिए, यहाँ पे सब कुछ हो रहा 2003 होना चाहिए या क्वार्टर वन होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया है जो कि नॉर्मल फिल्टर में एक एक कर लगाना मुश्किल होता है। तो हम डेटा मेनू बार में आते हैं, एडवांस पे आते हैं और यहां पे अपनी क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड ओके कीजिए, तो आपका डेटा फिल्टर हो गया। हो गया, लेकिन मैं यहां पे एडवांस फिल्टर में ही मैं चाहता हूं कॉपी टू अदर लोकेशन। मैं चाहता हूं ये डेटा फिल्टर ही नो यहां पे कॉपी हो जाए। ओके कीजिए, देखिए डेटा आपके सामने कॉपी हो, लेकिन कॉपी सेम सीट पे होता है, अनोदर सीट पे नहीं होता है। समझ में आ गया एडवांस फिल्टर आपको? किसी को डाउट? चलिए एडवांस फिल्टर के बाद हम बात करते हैं यार टेक्स्ट टू कॉलम। आप सभी ने टेक्स्ट टू कॉलम का यूज तो किया ही होगा ना सर? जी सर। तो टेक्स्ट टू कॉलम का यूज होता है किसी पर्टिकुलर एक करेक्टर या सेपरेटर के बिहाव पे डेटा को अलग करना, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक ही सेल में ज्यादातर कब होता है, जब हम टैली से या सीएसवी फॉर्म में डेटा लेते हैं तो वहां पे उसका यूज करना होता है। तो मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो टैक्स टू कॉलम में आप जैसे कि सब दो चीजें, एक होता है डिलिमिटेड होता है, एक फिक्स लेंथ होता है।
फिक्स लेंथ फिक्स विड्थ कब होता है जो हमें पता नहीं होता है कि हमारा कौन से क्या सेपरेटेड क्या है, मतलब कि दो वर्ड के बीच में सेपरेटेड पता नहीं है, लेकिन जैसे कि 6 डिजिट है पता है कि फर्स्ट के 6 डिजिट है, तो हम अपने हिसाब से इसको फिट कर लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं ना सर, यहाँ पे माइक यहाँ पे अपना ये फिट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश कर लेते हैं, तो ये अलग हो जाता है, लेकिन ये हर बार एक्यूरेट नहीं होता है। तो इस केस में डेटा अगर आपको कम ज्यादा हुआ, उसका कोई ऐसी पैटर्न नहीं हुआ, तो ये वर्क नहीं करेगा। फिर डिलिमिटेड में आते हैं, डिलिमिट में तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि टैब के अकॉर्डिंग, सेमी कोलन के अकॉर्डिंग, कॉमा के अकॉर्डिंग, स्पेस के अकॉर्डिंग या कोई अदर करेक्टर है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सेल में ये आपको नंबर को दे दे। ये तो इसका बेसिक पार्ट हुआ, लेकिन कुछ चीजों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट फॉर्मेट टेक्स्ट, और फिर मैं मोबाइल नंबर को कॉपी किया और इस पे पेस्ट वैल्यू कर दिया, तो पेस्ट वैल्यू हो गया। तो क्या है सर, नंबर नहीं है टेक्स्ट है। अगर आप यहां पे इज टेक्स्ट का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये आपको फॉल्स, इज टेक्स्ट 2 देना चाहिए ना, टेक्स्ट समझ रहा है इसको, नंबर नहीं है क्योंकि राइट क्लिक करके अगर फॉर्मेट सेल में जाकर देखते हैं तो ये टेक्स्ट पे क्लिक है, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो टेक्स्ट टू कॉलम में आए और यहां पे फिनिश कर दे। अच्छा वो माफ कीजिएगा, पेस्ट करने में दिक्कत होता है, अब टेक्स्ट है यहाँ पे हम इज टेक्स्ट द्वारा ये टेक्स्ट है। तो अब मैं सबसे पहले तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाऊंगा और इसको जनरल कर देता हूं, फिर भी मेरा टेक्स्ट हटा नहीं, तो हम टेक्स्ट टू कॉलम में यहाँ पे फिनिश कर दे। तो कभी ऐसा होगा कि नंबर होगा टेक्स्ट फॉर्मेट में, आपका जो नंबर है ये नंबर टेक्स्ट फॉर्मेट में हुआ तो टेक्स्ट टू कॉलम करने से वो वापस नंबर फॉर्मेट में हो जाता है। क्लियर है? जी सर। तो इसका यूज करते हैं। दूसरा हम यूज करते हैं इसको डेट को कन्वर्ट करने के लिए। क्या होता है कि डेट हमें इस तरह से आता है, जैसे कि 25.03.2020। देख गया सर, अब सिस्टम इसको डेट नहीं समझ रहा है, इसको टेक्स्ट समझ रहा है। इसको डेट में कैसे कन्वर्ट करें, तो इस केस के लिए हम टेक्स्ट टू कॉलम में आते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट यहां DMY सेलेक्ट करके फिनिश कर दे। हो गया डेट। या कभी कभी डेट इस फॉर्मेट में भी आता है, जैसे आज का डेट है, ये नंबर दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में डेट है 2020/06/12। अब इसको डेट बनाना है तो ये भी आपका YMD कर दीजिए, ये आपका डेट बना देगा। आ गया टेक्स्ट टू कॉलम, किसी को डाउट है इसमें? नो। अब टेक्स्ट टू कॉलम के बाद हम बात करने जा रहे हैं, फ्लैश फिल तो हमने पढ़ाया ही था, अब हम यहां पे बात कर रहे हैं रिमूव डुप्लीकेट की। जैसे यहां पे मान लीजिए कोई नेम आपने लिया है, कोई ऐसी कुछ लिया हुआ है और उसमें बहुत सारे डुप्लीकेट है, दो चीजें, एक चीज मुझे चाहिए कि मुझे फिल्टर करना है, तो एडवांस फिल्टर में आप यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड वाले क्लिक करके ओके कर ले, तो यहाँ पे सिर्फ आपको यूनिक ही दिखेगा, डुप्लीकेट्स को नहीं शो करेगा। दूसरा हम क्या करेंगे,
यहां रिमूव दोनों की डुप्लीकेट है, इस पे क्लिक कर दीजिए। एक क्या करेगा, सारे जो मोर देन वन टाइम वैल्यू हेलो हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर मेरा कुछ डेटा है वो ए से लेकर एन तक है, लेकिन मेरा जो बी वाला कॉलम है उसका मेरे को डुप्लीकेट हटाना है, तो क्या वो पूरा रॉ हटाएगा या सिर्फ कैसे मतलब काम करेगा? अब यहाँ पे एक यहाँ पे दिक्कत है। देखिए क्या, जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पे मान लीजिए हमने नेम दे दिया, सिटी दे दिया, और यहाँ पे सेल्स दे दिया, तो मैं यहाँ पे नेम को डुप्लीकेट करता हूं और सिटी को भी डुप्लीकेट करता हूं। और यहां पे हम सेल्स को भी डाल देते हैं, अब देखिए, अब डुप्लीकेट का मतलब ये नहीं है कि जो आप इसको सेलेक्ट कर दें डेटा को तो डुप्लीकेट में, यानी कि पूजा दो बार आया तो पूजा का रिपीट कर दे, वो पूरे कॉलम को मैच करेगा कि पूजा नोएडा 65, तो जहां पूजा नोएडा 65 होगा उसी को डिलीट करेगा। पूजा मैं नोएडा में यहां पर डाल देते हैं और यहां 65, तो अब जो है नीचे वाले को डिलीट करेगा पूरा को। बात समझे कि नहीं जी? तो अब हम जो रिमूव डुप्लीकेट करेंगे तो ये दिखाता है कि क्या मैच करना है। अगर मैंने सिर्फ नेम को सिलेक्ट करके ओके कर दिया तो पूरा रो डिलीट कर दिया, दो डुप्लीकेट डिलीट कर दिया ना सर। लेकिन अगर हम पूरा रो ना ले, हम बोले कि नहीं तीनों रो ले ले, तो तीनों को एग्जैक्ट मैच करेगा। तो जब आप एक से ज्यादा कॉलम सिलेक्ट करते हो तो यहां बताता है कि डुप्लीकेट में कंसीडर किसको करना है, लेकिन जब डिलीट करेगा तो पूरा ही डिलीट करेगा, सिंगल डिलीट नहीं करेगा। समझे? ओके, अगर सारा सेलेक्ट करेंगे तो भी उतना ही क्राइटेरिया लेगा, राइट? ठीक है सर, क्लियर है? क्लियर। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है वैलिडेशन। वैलिडेशन समझ जाइए कि जो हम किसी कॉलम में एंट्री कर रहे हैं उसको वैलिडेट करने के लिए, कि हाँ इसमें गलत एंट्री ना हो, उसको वैलिडेट करने के लिए यूज किया जाता है वैलिडेशन। बात समझे? तो चलिए इसी चीज को हम पढ़ते हैं।
तो सबसे पहले हम एरिया सेलेक्ट करते हैं और इसके आते हैं। अब इसमें सबसे पहला यहाँ पे देखिए होल नंबर, जैसे कि नंबर पे कंडीशन डाल दीजिए कि ये जो हमारा नंबर है नंबर के अकॉर्डिंग ही चले। जैसे मैंने बोला कि इसमें 500 से लेके 5000 तक का डेटा एंट्री हो, ओके कर दिया। अब इसमें मैं अगर 5 एंट्री करता हूँ, मैं इसमें अगर 1500 एंट्री करूंगा तो ले लेगा, लेकिन इसी में मैं अगर 1530 रुपए का नहीं लेगा क्योंकि हमने सिलेक्ट किया है होल नंबर। ठीक है, हमने होल नंबर को सिलेक्ट किया। ओके लेकिन अगर हमें होल नंबर नहीं रखना है, डेसिमल में रखना है, तो होल नंबर की जगह डेसिमल दे दीजिए। और यहां भी इतने सारे कंडीशन है, जैसे आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल किया था, सेम चीज यहां इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, डेसिमल के बाद आता है लिस्ट। लिस्ट में जैसे मान लीजिए कि मेरा सिटी है और मैं चाहता हूं कि कोई पर्टिकुलर सिटी ही यहां पे आना चाहिए, यहां कुछ भी नहीं लिखा जा सकता, ड्रॉप डाउन टाइप का आना चाहिए। तो यहां हम अपना लिस्ट में आएंगे और यहां, अब यहां पे दो चीजें हैं, खैर तो यहां सोर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, जो सोर्स है, या फिर मैनुअल टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने मैनुअल टाइप कर दिया दिल्ली कॉमा पुणे कॉमा टाटा, इस तरह से, या फिर आप आपका लिस्ट को ले लीजिए, जो भी लिस्ट आपका है। अब क्या होगा कि हमें एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन आएगा और मैं यही लिस्ट से चूज कर सकता हूं, और लिखने तो मुझसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है सर, सर मेरे क्या बोलना है, मेरे पास एक लिस्ट बना हुआ है ड्रॉप डाउन का, ठीक है, उसको मुझे एडिट करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप उस एरिया को सिलेक्ट कीजिए और वहां पे चले जाइए डेटा वैलिडेशन। लेकिन एडिट का तो ऑप्शन किधर है? आ गया ना सर यहाँ पे, अब ये तो लिंक है ना, तो हमें इसको एडिट करना होगा ना। ओके ओके, वो तो मैं समझ रहा हूँ। तो ये यहाँ पे अगर मतलब बढ़ाना पड़ेगा तो फिर कैसे बढ़ाएंगे? सोर्स डेटा पे क्लिक करके फिर से उसको इंक्रीज कर देंगे रेंज, राइट? नहीं, मैं एक बार ऐसे ही कर रहा था, ऑफिस का कुछ श्रिंकेज का फाइल था तो उसमें मुझे पता ही नहीं चला। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए, एक चीज क्या दिक्कत होती है, दिक्कत इसमें होती है, क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पर ये यह है कि अगर मैंने पूरा रेंज नहीं सिलेक्ट किया, एक छोटा सा रेंज सिलेक्ट, तो आप जो चेंज करोगे छोटे से रेंज में चेंज होगा, पूरा रेंज में चेंज आपका नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? उसी तरह से यहाँ पे डेट है, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम, लेंथ, टेक्स्ट लेंथ, जैसे कि मैं यहाँ मोबाइल नंबर लिख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इसमें कोई मोबाइल नंबर 10 डिजिट से ज्यादा टाइप ना कर सके,
मैं चाहता हूं कि 10 वेरिएबल से ज्यादा टाइप कोई ना कर सके। तो यहां इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, और डेटा वैलिडेशन में मैं यहां लिस्ट नहीं टेक्स्ट लेंथ को सिलेक्ट करूंगा, और टेक्स्ट लेंथ में मैं यहां पे इक्वल टू या हाँ इक्वल टू 10 डाल दूं। अब यहां पे कम डालेंगे तो इस तरह का एरर देगा, 10 डिजिट से अगर हम कम डालते हैं इस तरह का एरर मुझे देगा। तो इस एरर से बचने के लिए क्या करना है, मतलब कि मैं बोलाऊं कि यहां पे अगर मैं कुछ मैसेज दिया, मैसेज तो समझ में ना क्या है, अब कस्टम मैसेज कैसे करते हैं। तो यहाँ इनपुट मैसेज आता है, यहाँ पे आप दे सकते हैं टाइटल कि प्लीज यहाँ पे दीजिए मैसेज, या कुछ और मैसेज देना चाहते हैं दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या होगा कि जब कर्सर में जाएगा ना तो यहाँ पे उसका दिखेगा, अगर क्या माउस इस पे टाइपिंग करके ले जाओ फिर भी दिखेगा, कमेंट जैसा नहीं रहेगा, और फिर वहां इस पे वापस अलर्ट में मैं यहां लिख देता हूँ रॉन्ग, समझ गया? डाउट सर इसमें एडवांस वैलिडेशन की पार्ट आता है, वो हम आपको अगली क्लास में कराएंगे। साथ में आप लोगों को इनवाइट करते हैं कल सुबह नहीं संडे को सुबह 8 बजे फॉर्मूला की रिपीट क्लास में अगर आना चाहे तो आ सकते हैं, कल सुबह फॉर्मूले की क्लास में आना चाहे तो आ सकते हैं, फॉर्मूले की रिपीट क्लास सर संडे राइट हाँ संडे संडे